नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या iOS 14 ही बहुत बेकार अपडेट है, या फिर इससे पहले और भी अपडेट से वो बेकार थे, या फिर iOS 14 बहुत ज़्यादा बेकार अपडेट था आईफोन के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईफोन में हो गई हैं, या फिर इससे बेटर अपना iOS 13 था। तो इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं आप लोगों से। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा यूज़र आईडी है dpk397। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि iOS 14 की जो प्रॉब्लम है वो क्या क्या है आईफोन 6s में। iOS 14 के बाद गाइस मेरा जो फ़ोन पे था, इस फ़ोन में वो चलना बंद हो गया। फ़ोन पे, गूगल पे, ये दो जो ऐप थे, ट्रांजैक्शन ऐप और अमेज़ोन, तो पे वो पहले से ही नहीं चल रहा था, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन iOS 14 के बाद गाइस जो है ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिली है, जो कि काफ़ी गलत है। और काफ़ी लोगों का कहना यही है कि iOS 14 अपडेट बहुत बेकार ऐप था आईफोन के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। देखिए गाइस, iOS 13 भी बढ़िया था और iOS 14 भी बढ़िया ही ऐप है। देखिए, अगर हम बात करें आईफोन 6s को लेकर ही कि इसके लिए सारा जो है सारा कुछ बेकार अपडेट है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। एप्पल ने कोई भी अपडेट अगर पुश किया है तो वो बहुत सारे आईफोन जिसके जो भी मार्केट में है, 6s के बाद 7, 8, XR, XS, XS Max, 11, 12 सबके लिए है गाइस। तो वो सब लोगों को माइंड में रख के अपना काम करेगा। अब आप 5 साल पुरानी डिवाइस को लेकर के बात करोगे कि मेरे साथ गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो है एप्पल हमेशा अपने आप ऐसा नहीं करता कि वो आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाल के इंस्टॉल कर देता है, आपके से जो है परमिशन लेता है और उसके बाद आप जो है डाउनलोड करते हो, फिर उसके बाद इंस्टॉल करते हो, तब जाकर आपको पता चलता है कि मेरे इस अपडेट में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं हमेशा से आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप तुरंत अपडेट मत करो। मैं जो है अपडेट कर लेता हूँ, आप लोगों को मैं रिव्यू दे देता हूँ कि इस अपडेट में ये प्रॉब्लम है, ये अच्छाई है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं मैं बता देता हूँ इस अपडेट में, जो भी कोई अपडेट आता है। अब बात करें कि iOS 13 जो है वो ज़्यादा बेटर था। देखिए, उस टाइम पे 2019 में वो अपना बेटर था, अब 2020 में जब ये आया तो देखिए, ये सिक्योरिटी को लेकर के सारी चीज़ें होती हैं, तो हमेशा जैसे लोग कहते हैं ना कि अपने पासवर्ड को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी पासवर्ड हो, फेसबुक, अमेज़ॉन, मतलब जहाँ कहीं भी आपका कोई भी पासवर्ड हो वो हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। तो जो कंपनियाँ हैं वो भी अपना जो है प्राइवेसी को लेकर के ये सारी चीज़ें करती रहती हैं और अपडेट्स देना भी बनता ही। और 2020 में जैसे iOS 14 आया, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा रुक जाइए, मैं अपना एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, अपना रिव्यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों तक रिव्यू दे देता हूँ कि ये अपडेट अच्छा है या नहीं, क्या प्रॉब्लम है, सारा कुछ बता देता हूँ। लेकिन iOS 13 अपने टाइम पर बहुत अच्छा था, वो भी बढ़िया था। और अब एक धीरे धीरे आपकी डिवाइस पुरानी हो रही है, अपडेट तो नए आ रहे हैं, इन वजह से आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करो आपके आईफोन 6s में ट्रांजेक्शन ऐप क्यों नहीं चल रही है। अभी पेटीएम चलता है सिर्फ, और मेरे फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे ये सारी चीज़ें बंद हो गई है, तो ये एक अलग प्रॉब्लम है गाइस। बाकी फ़ोन बढ़िया है और अपडेट अच्छे ही होते हैं मेरे ख्याल से। ज़्यादातर अगर अपडेट के थ्रू आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ऐसा नहीं लाइफ टाइम तक वो प्रॉब्लम रहने वाली है, नेक्स्ट अपडेट में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, एंड्रॉयड हो या iOS हो। तो ये सारी चीज़ें आपको भी मतलब ध्यान रखना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है iOS 14 में। हाँ, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी वो नेक्स्ट अपडेट में सही हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ आईफोन 6s में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही लोगों को, क्योंकि देखिए पुराना डिवाइस तो है, 5 साल उसके बाद इसका iOS 10 पे आया था आई थिंक ये फ़ोन, तो बहुत पुराना हो गया है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा, बहुत बेकार हो गया। लेकिन ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में भी होती रहती हैं, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और इतना हल्ला नहीं मचाना चाहिए कि iOS 14 बहुत बेकार, इससे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा फ़ोन काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, iOS 14 पे भी, iOS 13 पे भी अच्छा काम कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे मैंने जो बताया है। और कोई भी कंपनी होती है तो अपना अच्छा करने के लिए कोई भी अपडेट देती है। इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि एप्पल से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। इसी के साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरी इंस्टा यूज़र आई डी है dpk397। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।